पापा आओ आओ पापा दुर्गापुरी की बात करें तो सैनफोर्ड प्लेवे स्कूल है, उसमें अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट। अपना नाम बताएं। मेरा नाम है सुराजवीर सिंह, सादरा फायर स्टेशन से। सर क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे? इस घटना के लिए शॉर्ट सर्किट जिंदे के अंदर था, लेकिन बच्चे बड़े मुश्किल से निकाले। 60-70 बच्चे थे, वो सेफ निकाल दिए गए। और इसमें 10:01 पे कॉल हुई है, 1-2 मिनट पे गाड़ी टर्न आउट होगी। 4 गाड़ियां यहाँ पर आई है और जिसमें एक एम्बुलेंस भी है, लेकिन बच्चे बिल्कुल सेफ निकाल दिए गए थे। और टीचर कोई इंजोर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं, सब कुछ सेफ है और काफी जल्दी एक्शन लिया गया, तो इसलिए वो काफी सेफ है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट मीटर बोर्ड में आग लगी हुई है, सामने जिन्ने के अंदर थी। तो और कोई इंजोर्ड नहीं है और कोई ऐसी जानी माली कोई नुकसान नहीं है। 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ी है और 1 एम्बुलेंस है। घटनास्थल की बात करें तो मौजूदा जो निगम पार्षद हैं कुसुम तोमर, वो भी इस हालात का जायजा लेने आए हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगी शॉर्ट सर्किट की वजह से? मैं अभी अचानक मेरे पास फोन गया कि कुछ एक स्कूल है छोटा, उसमें आग लग गई है, बच्चे अंदर हैं स्कूल में। मैं तुरंत वहाँ से उठ के भागी हूँ। मैंने देखा कि कोई मीटर में यहाँ पे आग लगी है, लेकिन मैं स्कूल के जो ओनर है उनसे पर्सनली मिलना चाहूँगी इस बात को लेके कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने सेफ्टी के लिए स्कूल में कुछ नहीं किया हुआ है। इसके ऊपर मैं जरूर कार्रवाई करूँगी, कोई करे या ना करे, क्योंकि वहाँ पे बच्चे हैं, छोटे सिलेंडर भी होने चाहिए, पानी बुझाने की व्यवस्था, आग बुझाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये गलती है उनकी कहीं ना कहीं। हम लोगों ने, क्योंकि हम अभी चुन के आए, ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई बच्चे अंदर ना हो या टीचर अंदर ना हो, पर भगवान का शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे भी सुरक्षित हैं और सभी टीचर्स भी सुरक्षित हैं, लेकिन जो गलती है उसके लिए हम जरूर इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। बिल्कुल करेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे? फायर सेफ्टी का पुख्ता प्रबंधी और वेंटिलेशन तो बिल्कुल नहीं है। वेंटिलेशन होना चाहिए स्कूल के अंदर, क्योंकि जितने बच्चे हैं उनको धुएं से बचाया जा सके। और इसमें काफी हमने जो है ना, काफी मशक्कत के बाद उनको बचाया गया है, ठीक है। और वेंटिलेशन के लिए अब बोला जाएगा स्कूल में, जो भी यहाँ के ओनर है उनको बोला जाएगा कि भाई इसमें स्कूल में प्रॉपर वेंटिलेशन जरूर चाहिए और फायर सेफ्टी अरेंजमेंट होना चाहिए। उसका दूध पानी का पानी कर दिया सरकारी अधिकारी? नहीं, बिल्कुल ठीक है ये, और कहीं ना कहीं गलत काम हो रहा था यहाँ पर, मेरे संज्ञान में था, लेकिन अब आया है। मैं आज ही बात करूंगी उनसे और तुरंत इस पर कार्रवाई की जाएगी कि ऐसे बच्चों के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हो, किसी के बच्चों के साथ जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते हो आप। वहाँ पे इतने सारे आपने वेंटिलेशन की जगह नहीं दी, आपने कोई सेफ्टी नहीं रखी हुई है, तो ये गलत बात है कहीं ना कहीं। तो पुख्ता बंदोबस्त क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन इस पर अभी हम और चर्चा करेंगे जो ऑनर है उनसे, तब उसके बाद बात करेंगे और आगे इसमें जो व्यवस्था नहीं है वो व्यवस्था कराएंगे। मैं रोड पे निकल रहा था जिस टाइम ही आग लगी, मैं बाइक से निकल रहा था, मेरे बच्चे के डॉक्यूमेंट फेंक करके सीधा आग की परवाह ना करते हुए तीसरी मंजिल पहुंचे, बच्चों को सेफ किया पीछे वाली बिल्डिंग में। अब सब बच्चे सेफ है, गोयल टाइल में सब बच्चे सेफ बैठे हुए। बाकी अंदर कितने बच्चे थे? मेरे ख्याल से 100 ऊपर होंगे अंदर को। हाँ लगभग, भाई साहब हमें भीड़ भाड़ में, हमने जान की परवाह तो की नहीं हम लोगों ने। मैंने भी बहन जी को फोन किया जो हमारे यहाँ निगम पार्षद, हमारे यहाँ से मैंने इनको फोन किया, ये पहुंची फटाफट, कुल मिलाकर सब बच्चे पीछे पहले वेल्टी से कोई शीशे तोड़ने कोशिश की हमने, वो शीशे में टूटे हमसे ऊपर से। जी मैं समथिंग 10 बजे मैं बच्चों को अपने बच्चों को बच्चों से जा रहा था यहाँ से, तो मैं देखा यहाँ पे आग लगी हुई है, तो मैडम बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी यहाँ पर। मैं बच्चों को निकालने के लिए मैंने पहले सोमा कॉलिंग करी, मगर कम से कम 20 लोगों ने मिलकर हम लोग ऊपर गए, हमें वॉमिटिंग वगैरह लगी, फिर ऊपर गए और हमने पढ़ली बिल्डिंग से जाकर बच्चों को हमने उतारा अपने हाथ से द्वारा। बच्चे 5 मिनट में यहाँ आ गए हम अपने मौके। वॉमिटिंग हुई है, किस कारण से हुई है? वॉमिटिंग हुई है इनके बच्चों को निकालने के लिए वेंटिलेशन ना होने के कारण। जब धुआं अंदर चढ़ेगा तो जो हमें तो सहन करने की हैबिट है, लेकिन उन लोगों को इतनी हैबिट नहीं है। कुल मिलाकर के दिल्ली फायर सर्विस की गाड़ी 10 मिनट के अंदर यहाँ मौजूद होगी और यहाँ सब कुछ मूव करके सब कुछ कम्प्लीट कर दिया है। 200 फुटा रोड है, बहुत रेट में वो कराया अपना। हाँ जी, बहुत सारे दुकानदार अपनी दुकानें छोड़ छोड़ के जो है बच्चों को बचाने के चक्कर में लग गए।